गाइस, वी आर एट कम्युनिटी पोस्टिंग और हम लोगों की बस ने हमें उतार दिया है यहाँ विलेज में. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ सर्वे. सर्वे बेसिकली मीन्स अ होल विलेज. वी हैव टू कवर द फैमिलीज एंड द हेल्थ हिस्ट्री. सो लेट्स गो एंड गेट इनटू द वीडियो. बाय बाय. सो गाइस, ये है हम लोग का विलेज जहाँ हम लोग पोस्टिंग करने आए हैं. और आप देख सकते हो उस साइड थोड़ा सिटी का टच है और इस साइड थोड़ा विलेज का टच है. तो मेरे दो क्लासमेट्स आ रहे हैं. हाय करो. सो गाइस, यहाँ पे कितनी सारी काउज हैं और उस साइड तो बेसिकली सिटी का है, मैंने आपको बताया. और इस साइड थोड़ा विलेज वाला टच है. और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और हम लोगों से अच्छे से मिलजुल के रहते हैं. ये खाने पीने की दुकान जहाँ मुझे नहीं जाना, मुझे सीधे सीधे चलना है. सो हम अभी एक फैमिली के साथ बैठे हैं. ये आंटी है वहाँ पर. आंटी, आपको कैसा लगा हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा बेटा, ऐसा लगा आधी बीमारी दूर हो. हेलो कर दो सबको. हेलो. अम्मा, आप भी सबको हाय ऐसे हेलो कर दो. ठीक हो आप? अम्मा ठीक हो? ठीक है. सो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ फैमिली से बात करके और हम आपको बताते रहेंगे बाद में. अरे दिख भी नहीं रहा. आजा इधर. इधर ये गोट बैठी रहती है, देखो कैसे घूर रही है ना. ये डर लग रहा है मुझे इससे. हाय. वो इग्नोर कर दिया यार उसने मेरे को. ओ भाई डर गई मैं. सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ करो मुझे. इधर पीछे सूखी नदी है. हाय गाइस, बैक फ्रॉम द कॉलेज. कम्युनिटी पोस्टिंग ख़त्म हो गई है. ख़त्म इन द सेंस कि 5 बज गए हैं तो यार क्लास व्लास सब खत्म हो गई है. नाउ आई एम फुली टायर्ड. सो आज डे 1 था एक्चुअली. तो बहुत ज़्यादा धूल होती है यार थोड़ी बहुत ना, तो मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा वो गंदी चली गई है. तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ऑयलिंग कर लूँ. मेरा एक्चुअली कल बर्थडे है. ये वीडियो शायद जब मैं डालूँ तो थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि जब ही पोस्टिंग ख़त्म हो जाएगी मैं तब ये वीडियो डालूँगी. सो अप्रॉक्सीमेटली 12 दिसंबर के बाद में. तो आज मतलब कल मेरा बर्थडे है, तो थोड़ा सा रेडी होना बनता है ना. तो ये ऑयल, मैं ऑयलिंग करने जा रही हूँ, फिर नहाऊँगी. क्योंकि एक दिन पहले से ऑयलिंग करते हैं ना तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं कल के. और वैसे भी जो ये मैं यूज़ कर रही हूँ उसे लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. सो गाइज, आई एम यूजिंग दिस अनियन हेयर ऑयल फ्रॉम मामा अर्थ. इसके अंदर अनियन के एक्सट्रैक्ट्स हैं, सीड्स हैं, मिनरल ऑयल फ्री है सबसे बड़ी बात, और सिलिकॉन फ्री भी है. ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये हेयर फॉल कंट्रोल में हेल्प करता है. एज़ यू कैन सी, देखो मेरा जो हेयर फॉल है थोड़ा बढ़ गया था मतलब रिसेंटली. तो लास्ट ईयर तो मैं ना अनियन ऐसे कूट कूट के उसका ऐसे एक्सट्रैक्ट निकाल के तब सर में लगाती थी. बट यार इट्स नॉट पॉसिबल ना ऑल द टाइम. तो मैंने अनियन हेयर ऑयल मंगाया. वैसे मैंने कंडीशनर, शैम्पू तीनों चीज़ मंगाई है. दो मेरे पास कंडीशनर था लेकिन फिर भी मैंने एक और कंडीशनर मंगा लिया है. बिकॉज यू नो तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं तो थोड़ा फ़ायदा होता है. यस. और आई थिंक आप में से बहुत लोग मामा अर्थ के प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ करते होंगे. तो वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पे अवेलेबल है. और मामा अर्थ की भी न्यू ऐप भी आई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. उन्होंने ऐप बना ली है अभी अपनी, और वेबसाइट पर तो वैसे भी उनका सारा सामान मिलता ही है. और हाँ, इस प्रोडक्ट के साथ ना मेरा एक कोड भी वैलिड है. अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो मैं कोड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड द कोड इज़ SV2021, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा मामा अर्थ की साइट या ऐप से परचेज करने पे. सो ये है मेरे मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल. और बाकी क्या है प्रोडक्ट, ये है मामा अर्थ का अनियन शैम्पू. ये भी पैराबीन और सल्फेट फ्री है. जो मैं वाओ का यूज़ करती थी वो भी यही था, सेम था. ये फॉर ऑल हेयर टाइप्स द बेस्ट थिंग. अनियन एक्चुअली हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, इसीलिए ये बेस्ट है. और ये कंडीशनर पैराबीन और सिलिकॉन फ्री अगेन. ये हमारा देख लीजिए, फॉर
हेयर फॉल कंट्रोल, दिस इज व्हाट आई नीड गाइस। तो मैं अब ऑयलिंग कर लेती हूँ, तो कल सुंदर बनना है ना मुझे, तो इसीलिए। वैसे मुझे काफ़ी बेटर रिजल्ट्स तो मिले हैं यार, पता है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था मेरा बीच में, शायद एनवायरनमेंट चेंज की वजह से होता ही है ना, घर जाती हूँ फिर यहाँ आती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ गया था। तो यस, मैं अभी ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर आज कंडीशनर भी करूँगी, शैम्पू भी करूँगी, सुंदर हो जाएंगे हेयर। सो गाइज, मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स तो वैसे भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर ही रही थी, और मतलब मैंने उसका सीरम एंड ऑल ये सब यूज़ करी थी, तो मैंने अनियन हेयर ऑयल वगैरह ये सब अभी 3 महीने पहले से ही यूज़ करना शुरू किया है, एंड द रिजल्ट्स आर सो बेटर। और हाँ, यहाँ पे ना ये लोग जितनी ये बॉटल्स प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना, उससे ज़्यादा ये लोग रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक को। और द बेस्ट थिंग इज, आप अपने ऑर्डर को एक प्लांट से लिंक कर सकते हो, मतलब कि प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, ये मामा अर्थ का है स्कीम है। मतलब आप जितने जैसा आपका जो ऑर्डर होता है ना, उस हर एक ऑर्डर पे जो भी बंदा ऑर्डर करता है वो एक प्लांट लगाएंगे, तो उनका मोटो है कि वो 1 मिलियन प्लांट्स लगाएंगे। सो यार, दिस इज़ वेरी गुड, नो, नाइस इनिशिएटिव, वी शुड अप्रिशिएट दिस। बाय बाय, कल मिलते हैं कॉम्युनिटी में। सो आज मैं इन अम्मा से मिली और मुझे तो मिलके बहुत अच्छा लगा। अम्मा, आपको मिलके कैसा लगा? मुझे भी आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगता है बेटा। आप लोग आते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी आ गई। हाय, हम इन्हीं के घर आके बैठे हैं। मैंने मतलब एज अ केस ये मैंने अपनी फैमिली ले, आंटी ये बहुत अच्छे हैं, हम इनके साथ बातें भी करते हैं, आंटी अपना काम भी कर लेते हैं, हम भी अपना काम कर लेते हैं। ये लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, माँ बाप बहुत खुश नसीब होती है, होती है। मेरे तो नहीं है बाबू लड़कियाँ ना। अच्छा, आप लोग आते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी लड़कियाँ आ गई। अच्छा लगता है, आप लोग बैठते हो थोड़ी देर, बहुत अच्छा लगता है बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, हम आया करेंगे आपके पास। ठीक है, आ जाना बेटा। सबको हाय कर दो ऐसे। हाय हाय बाबू, मेरे को तो पढ़ा लिखा तुम नहीं। कोई नहीं अम्मा, चलो ठीक है, ठीक है, बाय बाय, बाय कर दो। बाय बाय बेटा, आते रहना हमारे यहाँ पे। जी अम्मा, बिल्कुल। ऊपर यह तो गोट है, पता है इसने खा लिया था, बताया किसी ने हमें यहाँ पे कि थोड़ी थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा थोड़ी डेंजर गोट है। वैसे जिसके साथ प्यार से रहती है प्यार से रहती है, पर जिसके साथ प्यार से नहीं है उसके साथ नहीं है प्यार से। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, बाय बाय। इधर गांव में यहाँ पे खेत हैं, ऐसे गांव देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं यार, बहुत ज़्यादा कम। हम तो रहे दिल्ली वाले, दिल्ली में तो ऐसा देखने को ही नहीं मिलता, ऋषिकेश में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, और इधर गांव में तो बिल्कुल ही। ऐसे जब गांव जाते हैं, जब मामा जी के घर जाती हूँ मैं, तो ऐसे पहले फीलिंग आया करती थी, लेकिन अब वो भी सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं मुझे देखने को मिलेगा। इधर काओ वगैरह ऐसे ही नज़र आती है दिल्ली में, वो भी नहीं आती हैं। इधर ये स्कूल है बच्चों का, सामने मैं जा रही हूँ बस के पास अभी अपनी। अम्मा हेलो करो, पूछो सबसे, पूछो कैसे हो, तुम कैसे हो? जरूर बताना। थोड़ा सा डर लगता है गांव का टच। देखो कितनी सारी है यहाँ पे गाय, कार गाय, कितनी सारी गाय है। मुझे थोड़ा डर लगता है इनसे, ये कुछ कहेंगी तो नहीं ना। आ जाऊं क्या पीछे से? ये तो देख रही है मुझे, ये तो मुझसे भी डर रही है शायद। डर रही है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे गाय से थोड़ा डर लगता है, बट इधर की गाय अच्छी है, देखो कुछ नहीं कह रही यार, बस प्यार से है ये। इधर वो आंटी है, ये वाला, ये तो नहीं।
ऐसे मोड़ के दिखाना, से कोशिश करो ऐसे करने की, अंगूठे को सारी उंगलियों से जोड़ना। नहीं नहीं जुड़ रहा इस पे तो जुड़ रहा है, इस पे भी जुड़ेगा। हाँ इन तीन मैंने जोड़ रहा, इस हाथ पे करो ये। हाँ ऐसे जल्दी 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 ऐसे 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 जुड़ रहा है, इसमें करो। इसमें नहीं हो, इन तीन में नहीं होगा ये तो मैं ज़्यादा। सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। हमें कुछ भी पूछना होता है दे आर ऑलवेज हेल्पिंग अस। हमें कुछ पूछना होता है या फिर कुछ करना होता है तो हाँ हम उनका थोड़ा बहुत चेकअप करते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो हमें अपनी बातें बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बहुत अच्छे से प्यार देते हैं हम लोगों को। वी जस्ट लव दिस और यहाँ के लोग बहुत अच्छे। आंटी मुझे भी आशीर्वाद दो। ठीक है आंटी हम जा रहे हैं, सबको बाय बोल दो। बाय बाय, ख्याल रखना, आप भी अपना ख्याल रखना अंकल जी। नहीं नहीं आएंगे हम मिलने आएंगे आपसे। ठीक है बाय बाय बाय। कम्युनिटी बैग बाय बाय आंटी। हेलो खुले नहीं, हाय हेलो हेलो ऐसे हेलो करो, हैंडशेक करो। आप कितने साल के हो? पांच साल के हो गए आप, ओए बिग गर्ल आप तो, है ना? स्माइल करो इतनी सुंदर स्माइल है। और आपका क्या नाम है? बारह साल के आप? ओहो बारह साल के, अरे 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 बाय बाय। क्यूट है, जब से आए ऐसी कर रहे हैं, हेलो करते हैं जब भी जाते हैं। सोनाली को तो ढक कर लिया था उसने कि मैं आपके साथ ही चलूँगा। सो वी आर गोइंग बैक टू द बस। हम लोग की कम्युनिटी पोस्टिंग ख़त्म हो चुकी है, अब हम जाएंगे हॉस्टल, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा से 2 बजे क्लास है यार, 2 से 5, फिर 5 बजे के बाद हम फ्री होंगे। आज हमने मतलब सर्वे किया था, सर्वे के बाद फैमिलीज ली थी एज अ केस, देन उनके चेकअप करने हैं, कोई जैसे प्रोसीजर हो गया उनके लिए, उनको हेल्थ एजुकेशन देना, उनको समझाना जिन जो चीज़ उनको नहीं पता। सो दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग, मीट यू सून। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बाय बाय। सोना दीवानी, दूसरा भी घूम गया, टायर्ड फेस है ना, थक गए धूप में घूम के, फैमिली में खाना। पिंकू मैंने तो खा ली चाउमिन, तुम्हें ली नहीं ना, मुझे मेरे साथ ही नहीं थी, कुछ खाई गिले मैं लेकिन क्या लाइए, मैं लाई हूँ अब बता अपनी दुखी स्टोरी। मेरा इयररिंग इसका इयररिंग खो गया, इयररिंग सोने का, वो भी ये गिफ्ट करेगी मुझे अपनी फर्स्ट सैलरी से। कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं बोलते हैं लोग, अपने फ्रेंड्स के लिए तो इतना नहीं करते। सोने का था वो 10-20 रुपए का नहीं था, जब कमाऊंगी तब दूंगी। फास्ट फास्ट कर पिंका, तू भी कर, जल्दी करना जल्दी। फाइनली हमें अंकल चिप्स मिल गए हैं, अंकल चिप्स, अंकल खा रही है ये अंकल की चिप्स। रोमा मिल जाएगा पक्का, पक्का नहीं क्या लगती। साइड सॉरी आओ, Thank you.
आगे खाने का सामान है, उसमें क्या है खाने के सामान में? ऑरेंजेस, पूरा बैग ऑरेंज से भरा हुआ है। अभी तो थोड़ी सी भीड़ है, बाद में खाएंगे। बैक टू दी हॉस्टल, और अभी खाना खाना है हम लोग को। ये हम लोग का कम्युनिटी बैग और ये हमारा का यूजुअल बैग जो हमें कैरी करना पड़ता है। अभी रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। सो गाइज, मैं जा रही हूँ अभी कॉलेज, 2 से 5 हम लोग की क्लास है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी और मैंने आज मैगी खाई है। चलो बाय। ये है मेरी परछाई, ये सब लोगों को हेलो बोल रही है। हेलो, सब लोग हेलो कर दो। ये आ गया है हमारा कॉलेज। चेक करो तो मेरा बैक टेक्निक वाला असाइनमेंट है किसी के पास, शिवानी रोल नंबर 8।